बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ली हमने 1/2 kg और दूध लिया हमने 1/2 लीटर। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेंगे हम 1/2 लीटर। पिसी हुई चीनी 2 खाने के चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जामेश्वरी लिया हमने डेकोरेशन के लिए 2 खाने के चम्मच। स्ट्रॉबेरी और दूध को हमने बहुत ही अच्छी तरह से फ्रीज कर लिया, ताकि इसमें हमें बर्फ़ ना डालनी पड़े। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके ग्रीन पार्ट्स को अलहदा करेंगे। तो इनके ग्रीन पार्ट्स को हमने अलहदा कर लिया और थोड़ी सी हमने डेकोरेशन के लिए बचा ली है। अब हम एक ग्राइंडर जग लेंगे, इसमें हम स्ट्रॉबेरी डालेंगे। तो स्ट्रॉबेरी की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हमने सारी कर ली है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। अब इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे। तो अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर हम आइसक्रीम डालेंगे। तो आइसक्रीम हमने 1/2 डालनी और 1/2 हम बाकी डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। अब इसे हमने हल्का सा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो देखिए शेक हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम साइड पे करेंगे और ग्लास में थोड़ा सा जामेश्वरी डाल के इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे। इस तरह से बस इसी तरह इसी तरह से दूसरे ग्लास में भी डाल के इसे दूसरे में भी डाल देंगे। हर तरफ से घुमाएंगे ताकि जामेश्वरी अच्छी तरह से लग जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे शेक। अब इसके ऊपर हम डालेंगे आइसक्रीम। अब इनके ऊपर हम हल्का हल्का सा जामेश्वरी डालेंगे। थोड़ा सा जामेश्वरी हम इसके ऊपर भी डालेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लगाएंगे, इस तरह सेंटर से इसको कट करके इस तरह से किनारों पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना खूबसूरत लग रहा है और पीने में कितना मज़े का होगा। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक। आप इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।